गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, मुख्य मुख्य योजनाएं हम में इसमें पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला नंबर आता है ट्राइसेम का। ट्राइसेम का पूरा नाम है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण। अंग्रेजी के TRYSEM शब्द से ट्राइसेम बना है, और इसकी फुल फॉर्म हम करें तो बनती है T से ट्रेनिंग ऑफ, R से बनती है रूरल, Y से बनती है यूथ, फॉर S से बनती है सेल्फ, और EM से बनती है एम्प्लॉयमेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण। यह योजना केंद्र समर्थित योजना के रूप में शुरू की गई। इस योजना को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त सन 1979 में। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को कृषि और कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे उद्योग, सेवा, व्यापार, इनमें दक्षता प्रदान करने के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सन 1980 से 1998 तक 41,48,425 युवकों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें SC और ST के युवकों की संख्या थी 17,74,395। इन 41,48,425 युवाओं में से 23,32,274 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया। ट्राइसेम योजना को 1 अप्रैल सन 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समायोजित कर दिया गया। दूसरी योजना है IRDP। IRDP की फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसे हिंदी में हम कहेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 1978-79 के समय यह योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर सन 1980 को। ये पूरी तरह से केंद्र समर्थित योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों को कोई ना कोई परिसंपत्ति दी जाए, जिससे कि वो BPL की श्रेणी से उठकर APL में शामिल हो। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा, APL अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। इसमें कोई ना कोई परिसंपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति है, जैसे कोई उनको बैलगाड़ी दी जाए, सिलाई मशीन दे दी जाए, या कोई दुधारू पशु दे दिया जाए, या हथकरघा का कोई सामान दे दिया जाए, जिस पर भारत सरकार इनको अनुदान देती है, बैंक इनको लोन या ऋण देते हैं, और इससे इन परिवारों की आमदनी में सुधार होता है और ये BPL से उठकर APL में शामिल हो जाते हैं। इस योजना का समन्वय 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। तीसरी मुख्य योजना जवाहर रोजगार योजना, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं JRY, ये बनी। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। यह योजना दो मुख्य योजनाएं, इससे पूर्ववर्ती जो संचालित थी उनमें एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और दूसरी योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इन दोनों को मिलाकर JRY के रूप में सन 1989-90 में यही नई नवीन योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत केंद्र सरकार का अंश 80 और राज्य सरकार का 20, 80 और 20 के अनुपात में दोनों का हिस्सा होता है, अंश होता है। इस योजना के तहत जो कार्य किए जाते हैं उनमें गांव में पेयजल हेतु कुओं का निर्माण करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, विद्यालय भवन बनाना, अस्पतालों का निर्माण करना, और भूमि के संरक्षण का कार्य करना, लघु सिंचाई जैसी योजनाओं को
शुरू करना, उनमें ग्रामीणों की सहायता करना, उनको रोजगार प्रदान करना। इससे दो उद्देश्य पूरे हो रहे थे, एक तो ग्रामीण परिसंपत्तियां निर्माण हो रही थी और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा था। काम के बदले अनाज भी इस योजना के तहत दिया गया था। लोगों को नगद के बजाय अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा था। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में शामिल कर लिया गया। गरीबी उन्मूलन की चौथी प्रमुख योजना है DWCRA। इसका फुल फॉर्म है, इंग्लिश में होगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। IRDP की उपयोजना के रूप में इसे जिला लेवल पर सन 1982 में लागू कर दिया गया था। इसके तहत जो कार्य किया जाता है उसमें 5 से लेकर 10 महिलाओं का समूह बनाकर उसमें 15,000 रुपए की आवर्ती धनराशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ जमा करवाती है। 1981 से लेकर 1997-98 के वर्ष तक महिलाओं को सहायता प्रदान करने का कार्य इस योजना में किया गया। इस योजना को 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। पांचवी मुख्य योजना DPIP। DPIP की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट। यह जो योजना है वो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसे 22 जुलाई 2000 से संचालित किया जा रहा है। इस DPIP योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण गरीबों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर, गैर सरकारी संस्थान जिनको NGOs बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जोड़कर उनकी जो क्षमताएं हैं, ग्रामीण गरीबों की जो क्षमताएं हैं उनका विकास कर उनका सशक्तिकरण किया जाए। NGOs इसमें क्या करते हैं कि वो कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं CIGS। CIGS के तहत ग्रुप बनाकर ग्रामीण युवाओं को उनकी क्षमताओं को ग्रामीण युवाओं की क्षमताओं को वृद्धि करने में ये NGO अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। इसी योजना के तहत सामुदायिक आधार ढांचा, भूमि आधारित सुधार कार्यक्रम, सामाजिक सेवाओं में सुधार और आय सृजन का कार्य किया गया। गरीबी उन्मूलन की सातवीं मुख्य योजना थी IAY, इंदिरा आवास योजना। IAY इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदलकर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, PMAY। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985-86 में। इसके तहत गरीब परिवार के लोग, BPL के लोग, जो SC ST मुक्त बंधुआ मजदूर हों और ग्रामीण गरीब हों, उनको और उनके साथ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं या उनके निकट संबंधी हो, उनको पक्का आवास निर्माण हेतु तो पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 70,000 रुपये प्रति आवास उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इस योजना का जब नाम इंदिरा आवास योजना से बदलकर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया सन 2016 में, उसके बाद इसमें प्रत्येक गरीब ग्रामीण को जिसके पास कच्चा आवास है उसको
शौचालय सहित मकान बनाने के लिए अब 1,48,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सातवीं मुख्य योजना NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह योजना 30 मई सन 2005 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत तीन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग जैसे महिला और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु और मृत्यु दर अधिक रहती है उसको कम किया जाए और जनसंख्या का स्थिरीकरण यानी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको रोका जाए। लिंग अनुपात जो एक असंतुलन हो रहा है, लिंग अनुपात गड़बड़ा रहा है उसको रोका जाए और जनसांख्यिकीय संतुलन को सुनिश्चित किया जाए। ये मुख्य उद्देश्य है NRHM के। गरीबी उन्मूलन की आठवीं मुख्य योजना है गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना 1 फरवरी 1997 से शुरू की गई। यह योजना केंद्र समर्थित योजना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत कृषकों को नलकूप या पंपिंग सेट उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहयोग और मियादी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लोगों में से 50% लोग एससी और एसटी समुदाय के होना जरूरी है। गंगा कल्याण योजना में केंद्र सरकार का अंश 80 और राज्य सरकारों का अंश 20 होता है, 80-20 का अनुपात होता है। यह योजना सन 1999 में SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दी गई। नौवीं योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम तीन बिंदुओं को पढ़ेंगे। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। इसमें तीन जो बिंदु हैं, सब पॉइंट हैं, उनमें पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 700 रुपए और 60 वर्ष से 65 वर्ष के आयु के लोगों को 500 रुपए प्रदान किए जाते हैं प्रतिमाह। ये उन्हीं वृद्धों को प्रदान किए जाते हैं जो वांछित हों, जो पात्र हों, जिनके फैमिली में कोई अधिक आमदनी वाला सदस्य काम नहीं करता हो या उनकी फैमिली में कोई नौकरी पेशा वर्ग या अधिक आयु आमदनी वाले नहीं हो। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसी योजना में परिवार में पालनकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद उस परिवार में उस व्यक्ति के आश्रित बच्चों को या आश्रितों को 30,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा सब पॉइंट है इसका राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में वो महिलाएं जो 19 वर्ष की हों, गर्भवती हों, उनको बच्चे पैदा होने पर 1,400 रुपए की सहायता दी जाती है। और इसके बाद इसी में एक और चीज जोड़ी गई, वो है राजश्री योजना, जिसके तहत लड़की के जन्म होने पर पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए, वो एक स्कीम अलग है जिसमें उनको स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। गरीबी उन्मूलन की दसवीं मुख्य योजना उसमें हम शामिल करते हैं काम के बदले अनाज योजना को। यह योजना 14 नवंबर सन 2004 को शुरू की गई। इस योजना के तहत देश के 150 से अधिक पिछड़े जिलों का चयन किया गया।
चयन करने का कार्य योजना आयोग ने किया और सलाह देने का कार्य योजना आयोग को राज्य और केंद्र सरकारों ने किया। इस योजना के तहत अति पिछड़े जिलों के प्रत्येक गरीब परिवार को वर्ष में 100 दिन रोजगार मुहैया कराया गया और रोजगार के बदले में उनको प्रतिदिन 5 किलो अनाज और अनाज के साथ में नगद राशि दी गई। इस योजना का बाद में विलय कर दिया गया मनरेगा योजना में। अगली एक और महत्वपूर्ण योजना SGRY, इसकी फुल फॉर्म है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सितंबर 2001 में दो योजनाओं को मिलाकर यह योजना बनाई गई। इससे पूर्व में संचालित वो दोनों योजनाएं थी EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योर्ड स्कीम रोजगार गारंटी योजना और दूसरी थी JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इन दोनों योजनाओं को EAS और JGSY को मिलाकर जो नवीन योजना बनी वो कहलाई SGRY सितंबर 2001 से। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करना, खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाना और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करना। इस योजना में भी कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्गों में महिलाएं, निर्बल महिलाएं, SC और ST समुदाय की व्यक्ति और खतरनाक व्यवसायों से छुड़ाए गए बच्चों के माता पिता को इस कार्यक्रम में विशेष प्रायोरिटी, विशेष प्राथमिकता दी गई। इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 25% नगद धन राशि देना जरूरी था। बाद में ये योजना जब मनरेगा योजना शुरू हुई तो उसमें सम्मिलित कर ली गई। गरीबी उन्मूलन योजनाओं में ही हमें अगले नंबर पर 12वें नंबर पर लेते हैं अन्नपूर्ण योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2001 को शुरू की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सीनियर सिटीजन यानी जो जिसको हम कहते हैं वरिष्ठ नागरिक जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन व्यक्तियों को 10 किलोग्राम गेहूं या अन्य अनाज 10 किलोग्राम अनाज देने की यह योजना है। नेक्स्ट योजना है क्रमांक 13 पे लेते हैं इसको हम अंत्योदय योजना। दिसंबर राशन की दुकानों पर जिनको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें कहते हैं उसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूं या 3 रुपए किलोग्राम की दर से चावल दिया जाता है। 14वें नंबर पर हम लेते हैं एक महत्वपूर्ण योजना को जिसको हम कहते हैं SGSY। इसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। इस योजना ने 6 योजनाओं को अपने में समावेशित किया है। IRDP पहली योजना IRDP, ट्राइसेम 2 नंबर पर ट्राइसेम ले लेंगे हम, DWCRA 3रे नंबर पर, चौथी योजना सिट्रा SITRA, पांचवी योजना JKY गंगा कल्याण योजना और 6ठे नंबर पर हम रख लेते हैं MWS। इस तरह से कुल 6 योजनाओं को शामिल करके 1 अप्रैल सन 1999 से यह योजना शुरू की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 75 और 25 का अनुपात केंद्र और राज्यों का अंश होता है। ध्यान रखें ये जो केंद्र और राज्यों का अंश होता है, योगदान होता है, ये समय समय पर बदलता रहता है। धीरे धीरे केंद्र का अंश घटता जाता है, राज्यों का बढ़ता जाता है कई योजनाओं में। इस योजना के तहत स्वरोजगारियों की आमदनी वृद्धि हेतु जो लोग स्वरोजगार में रुचि रखते हैं
उनकी आमदनी में वृद्धि हेतु भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रयास करता है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उपक्रमों में काम प्रदान करने की ये व्यवस्था प्रदान करता है। ऐसे लोग जो स्वरोजगार के इच्छुक होते हैं उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि जो लोग समूह में काम करना चाहते हैं उनको विशेष तरजीह दी जाती है। इस योजना में भी एससी और एसटी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाता है, उनको इसमें एक उचित मुकाम प्रदान किया जाता है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता दी जाती है।